लिख के दे देना चाहिए चुनाव आयोग को कि ईवीएम बैन कर दें, ईवीएम बैन होनी चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। बेच देता है, जला दी जाती है ससुराल में अक्सर भाई बेटी, जिस बेटी के खातिर बाप अपनी किडनी बेच देता है, एक मासूम लड़की प्यार में कुर्बान है, जिस पर बनाकर वीडियो उसका प्रेमी बेच देता है, जान दे दी इस वतन पर जिन बेनाम शहीदों ने, एक हरामखोर आदमखोर नेता इस वतन को बेच देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या जाने, उनकी तो बेटी है ही नहीं, ना बेटी है ना बेटा है, ना योगी जी की बेटी है ना बेटा है, उनको क्या पता चला परिवार कैसे चलेगा, उनको परिवार का दर्द का थोड़ी पता है। योगी जी तो बाबा जी आदमी है, बाबा जी आदमी को क्या पता प्रदेश कैसे चलाना है, किसान का दर्द तो किसान का बेटा ही समझ सकता है। देश को लूटा जा रहा है, देश का विकास नहीं, किस बात से विकास हुआ है देश का, ये तो अडानी अंबानी के पिट्ठू है खाली, अडानी अंबानी के लिए झूठ जितना मर्जी बोल ले। हम ये मानता ही नहीं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार होती तो हमारे पास आती, हमारी सूरत ही अब तुम्हारी हवा निकाल देगी, और जिन्हें तुम शबनम समझते हो उन्हें हम फौलाद कर देंगे, और जिन्हें तुम राखी समझते हो उन्हें हम आग कर देंगे, तुम्हारे आसियाने को ही फुकवा देंगे और तुम्हारे घर में ही आग लगवा देंगे। अरे माँ गंगा ने बुलाया है और हमें भी बुलाया है, तो अभी तो हम बता रहे हैं कोरोना फिल्म के हम हीरो हैं जी। जहाँ जहाँ भाजपा जीती है वहाँ गुंडागर्दी से जीती है। इन्होंने क्या करा, गाजियाबाद के अंदर भी 6 जिला पंचायत सदस्यों को बंदी बना लिया, उनको पुलिस के बल पे या अपने बल पे पिस्टल लगा के उनको होटल में बंद कर लिया, उनको कैद कर लिया और जबरदस्ती निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। क्या लगता है जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जब हिंदू मुसलमान का जो माहौल बना गया, क्या ये होने वाला नहीं है क्या जी? उत्तर प्रदेश के अंदर हम बिल्कुल इनकी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे, गली गली जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, हर एक आदमी से मिलेंगे और उनसे हाथ जोड़ के हम विनती करेंगे कि इन गुंडों को वोट ना दें और किसी अच्छी पार्टी का चयन करें, क्योंकि हमेशा उत्तर प्रदेश में देखा गया जाति धर्म के नाम पर वोट पड़ते रहे जी। तो क्या अब लोग जाति धर्म के ऊपर उठ करने वाले हैं? जी बिल्कुल, लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को और इनको मायावती जी को अखिलेश जी को लिख के दे देना चाहिए चुनाव आयोग को कि ईवीएम बैन कर दें, ईवीएम बैन होनी चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। ईवीएम के खिलाफ आपकी आवाज़? हाँ जी बिल्कुल, ईवीएम के खिलाफ मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ, क्योंकि 2019 का मैंने जो माहौल देखा था वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। जो नरेंद्र मोदी जी इस समय सत्ता में बैठे पड़े हैं वो 420 से प्रधानमंत्री बन के बैठे पड़े हैं, ना कि जनमन तरीके से ईवीएम के सहारे बने हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, ईवीएम के सहारे, ये केंद्र में भी ये ईवीएम के सहारे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये ईवीएम के सहारे ही हैं जी। तो अभी जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने कहा कि सितंबर तक अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं, क्या किसान बैठे बैठे उठ चुका है क्या कुछ जी? 8 महीने हो गए, 8 महीने से आप देख रहे हैं बिल्कुल ये बिल्कुल हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आंदोलन तो बहुत हुए हिंदुस्तान के अंदर, आपने देखा होगा केजरीवाल जी का भी हुआ, अन्ना जी का भी हुआ, लेकिन इस तरीके से कोई आंदोलन नहीं हुआ कि गवर्नमेंट बिल्कुल सुनने को ही तैयार नहीं है। हम लोग 8 महीने से यहाँ पे बैठे पड़े हैं, सरकार बातचीत के लिए रास्ता खुला हुआ है। तो बातचीत के लिए रास्ता तो खुला हुआ है, लेकिन ये तीनों कानून वापसी नहीं लेगी ना। अगर ये तीनों कानून अगर वापसी लेंगे तभी लोग हम लोग यहाँ से जाएंगे ना, जब तक तीन कानून वापसी नहीं होंगे जब तक हमारी घर वापसी नहीं है। तो क्या लगता है सरकार आपकी बातें मान लेगी? हाँ बिल्कुल मानेगी, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम इनको जवाब देंगे, वोट की चोट करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को 50 सीटों से नीचे ही रखेंगे, ऊपर नहीं जाने देंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान नहीं होने वाला है क्या? नहीं, अब नहीं होने वाला है हिंदू मुसलमान, लोग जागरूक हो गए। हाँ जागरूक हो गए, मतलब समझ गए। नंबर देंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के काम काज को? अब योगी सरकार के काम काज को तो हम कुछ नंबर नहीं दे सकते हैं, यानी इसको तो हमारे समझ में तो ये है कि 0 आएगी। वो तो कह रहे हैं हमने विकास का अच्छा काम किया, हमें रोजगार दिए लोगों को। आप बता दीजिए किसको रोजगार दिया है, सब बेरोजगार कर दिए इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या केंद्र के अंदर क्या सारे युवा बेरोजगार हैं, सारी कंपनियां बंद हो गई, सारे काम काज ठप हो गए, जीडीपी देख लीजिए देश की, जीडीपी कहां जा रही है। हमारे देश का ये हाल है कि बांग्लादेश नेपाल जैसे देश जैसे देशों में हमारे देश की गिनती हो रही है। मेरा तो सिर्फ एक ही संदेश है नरेंद्र मोदी जी को,
कि कोई अपनी टोपी कि कोई अपनी टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा, मिले अगर भाव अच्छा तो जज भी अपनी कुर्सी बेच देता है, तबायक फिर भी अच्छी है, तबायक फिर भी अच्छी है जो सीमित है कोटे तक, पुलिस वाला तो बीच चौराहे पे अपनी वर्दी बेच देता है, जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी, जिस बेटी के खातिर बाप अपनी किडनी बेच देता है, एक मासूम लड़की प्यार में कुर्बान है जिस पर बनाकर वीडियो उसका प्रेमी बेच देता है, जान दे दी इस बदन पर जिन बेनाम शहीदों ने, एक हरामखोर आदमखोर नेता इस बदन को बेच देता है। प्रधानमंत्री मोदी देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या जाने, उनकी तो बेटी है ही नहीं, ना बेटी है ना बेटा है, ना योगी जी की बेटी है ना बेटा है, उनको क्या पता चला परिवार कैसे चलेगा, उनको परिवार का दर्द का थोड़ी पता है, योगी जी तो बाबा जी आदमी है, बाबा जी आदमी को क्या पता प्रदेश कैसे चलाना है, किसान का दर्द तो किसान का बेटा ही समझ सकता है। देखिए वो तो गरीब के बेटे हैं ना, तो गरीब का बेटा होना एक अलग बात है, लेकिन किसानों का दर्द समझना एक अलग बात है। क्या गरीब गरीब का दर्द नहीं समझता क्या? नहीं समझता है, लेकिन ये उस लायक नहीं है ना। आप देख लीजिए प्रदेश के अंदर कितनी गुंडागिर्दी हो रही है, ऐसे हालात हो चुके हैं प्रदेश के, ऐसे हालात में तो योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए उत्तर प्रदेश। आप एक युवा हैं उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने हर साल 1,00,000 रोजगार दिए हैं, मतलब कि चार साल में 4,00,000 रोजगार दिए हैं, वो तो जनता बताएगी इन्हें, ये चुनाव है, विधानसभा के चुनाव होंगे तब जनता इन्हें बताने काम करेगी ना, कहाँ इन्होंने रोजगार दिए हैं, कहाँ इन्होंने काम किया है, सब पता चलेगा चुनाव में। दो चार कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई, गंगा में लाशें देखी गई, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो लोग और मारे जाते, क्या आप इसको मानते हैं इस बात? ये तो लोगों की अंधभक्ति है, जो उन्हें दिख रहा है कि मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो लोग बहुत मारे जाते। अरे पहले भी सत्ता रही है, पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, तब ऐसा नहीं हुआ, ये 5-7 सालों में ऐसे कैसे हो गया? आप देख सकते हैं आप सब लोग मतलब जागरूक। कितना नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ के कामकाज को? हम तो उसे नंबर देंगे ही नहीं, काम ही नहीं किया, नंबर कहाँ दें उसे, काम ही नहीं है, काम ही नहीं किया उसने, अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है वो तो आपने आपने अभी देखा होगा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत के चुनाव में किसी मतलब महिलाओं को पर्चा छीन लिया गया, उसका ब्लास्ट फाड़ दिया गया, और क्या चाहिए? आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा एक महिला को पर्चा नहीं भरने दिया उन्होंने जाके, आप कहाँ अपराध रुक रहा है, दिन दहाड़े बहन बेटी तो लूटी जा रही है, बिल्कुल हो रही है गुंडागर्दी, आप देख सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में, क्या इसका नतीजा होने वाला है, बिल्कुल क्या होगा हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये चुनाव 2-4 महीने बाद चुनाव होना है, आप देख लेना उत्तर प्रदेश में अगर इनकी 10वीं सीट आ जाए तो बहुत है इनके लिए, भाजपा की अगर 10वीं सीट आ जाए वो भी बहुत है इनके लिए। वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि हम चैलेंज तो हम भी कर सकते हैं कि हम 200 सीट लाएंगे, जब जनता ही जागरूक हो गई है तो कहाँ से लाएंगे, अगर हम हैं, अगर हम वो जगह हों तो हम भी सोच सकते हैं, हम किसान के बालक हैं, हम भी सोच सकते हैं भाई ये क्या किया है क्या नहीं किया है इन्होंने, वो तो जनता बताएगी जवाब देगी। 300+ वो तो बताएगी, टाइम आना दो, अभी पता चल जाएगा कितने आ रही हैं, 300 आ रही हैं, 400 आ रही हैं, कितनी आएंगी सब पता चल जाएगा जी। आप क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर के? कहाँ है रोजगार तो मिल रही है, पब्लिक धक्के खाते हंडेंगे गिरेंगे के और पूछ कहाँ दे रोजगार, सब चौपट बंद कर दिए काम धंधे। राम मंदिर का निर्माण तो कराया है, राम मंदिर तो है, गांव गांव गए मंदिर है, के हो रहा मंदिर तो रोजगार चाहया, अब मंदिर तो रोजगार की पूर्ति हो रही, पहले नहीं थे मंदिर, मंदिर नहीं चाहिए आपको, पहले नहीं थे मंदिर, कहाँ नहीं है मंदिर, राम मंदिर कहाँ था, मंदिर तो बना ना, क्यों पहले नहीं थे मंदिर, गांव गए मंदिर है, कौन है मंदिर, हमने राम मंदिर का निर्माण किया है, क्यों पहले नहीं निर्माण हो रहा था, सभी मंदिरों का निर्माण कर रहे, जनता के पैसे से हो रहा है निर्माण, तो क्या सरकार को योगी सरकार को सब सिखाने वाले हो? हाँ बिल्कुल, सुपड़ा साफ करेंगे इसका बीजेपी का, जिस तरह से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी भी है, तो इनकी वजह से ही तो है, हमने सुना था मकई विकास करेंगे रोजगार देंगे, कहाँ है रोज ना तो विकास करें ना रोजगार दिए, लेकिन महंगाई की तो कह रही है राष्ट्रहित में महंगाई, कहाँ है महंगाई, महंगाई उन्होंने कर रखी, कह रहे हैं राष्ट्रहित में महंगाई है, कैसी है राष्ट्रहित में महंगाई, कह रहे ये जो अभी कोरोना काल में जो चीजें, कहाँ है कोरोना बता, कहाँ है किडनी गुर्दे कार्ड कार्ड पे क्या लग रहे, कहाँ है कोरोना, कहाँ है कहाँ दे कोरोना, मरिया कोई कोरोना मरिया कोई बोर्ड रूप है, किडनी गुर्दा बेच रहा है, सुनने मारी अखबार मारी मरिया के कोई बोर्ड रूप है कोरोना बता, कोई से बोर्डर पे सिंधू टीकरी गाजीपुर पलवल ढांसा बोर्ड कोई मरिया कोरोना बता, हमें क्या लगता है जिस तरह से महंगाई चरम पर है, इस महंगाई से निजात पाने के लिए तमाम सरकार ने कोशिशें की हैं, लेकिन योगी मोदी ने कहा है कि अगर जो महंगाई है ये राष्ट्रहित में है, क्योंकि अभी जिस तरह से कोरोना काल में पूरा वैश्विक महामारी पूरे देश में फैली हुई है, इस वजह से महंगाई, ये बात इस पर निजात पा लिया जाएगा, कैसे देखते हैं इसे आप?
वो तो जनता बताएगी राष्ट्र हित में महंगाई है या इनकी सरकार में महंगाई है। जिन्होंने ये प्राइवेट हाथों में दे दिया, जो 10 की चीज़ थी वो 50 से मिल रही है, और क्या चाहिए आप देख सकते हैं। नहीं सत्ता में लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम इतना झेल लेंगे। कौन कह रहा है? हमारे तरफ लगा महंगाई बढ़ी हुई है। हाँ, महंगाई काबू करने के लिए हम महंगाई जो बढ़ा रहे हैं है, ये अपना खर्चा कम करने के लिए, तो ये बता कि 5 करोड़ रुपया एक एक सांसद को देते हैं सालिका है, वो बंद कर दें। 2.5 लाख रुपया सांसद की तनख्वाह देते हैं है, 50,000 दें, 2 लाख वो काट ले है, 50,000 में गुजारा नहीं। एक गरीब है 100 रुपया रोज में गुजारा कर रहा है, क्या 50,000 में गुजारा नहीं कर सकते? उससे महंगाई कम नहीं हो सकती है? क्या जनता पर बोझ ही डाल करके पेट्रोल डीजल के दाम और सरसों के तेल के दाम बढ़ा करके ही महंगाई के कम की जाती है? है? उन पे खर्चा पर अपने काबू करें। देश का विकास किया जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है, देश का विकास नहीं, किस पास से विकास हुआ है देश का? कितने अस्पताल बन गए, कितने पानी के सुविधाएं जनता को दे रहे हैं? खाली पेपरों में, खाली मीडिया में, सामने हकीकत दिखा में है। यदि सरकार है तो ये तो अडानी अंबानी के पिट्ठू है, खाली अडानी अंबानी के लिए झूठ जितना मर्जी बोल ले। हम ये मानता ही नहीं कि हमारी सरकार है। हमारी सरकार होती तो हमारे पास आती है। एक माँ है, अपने बेटे बच्चों को, छोटा भी है बड़ा भी है, दोनों को देखती है, है? लेकिन ये हमारी जब सरकार है नहीं तो देखेगी क्या? सरकार भी एक माँ के बराबर होती है, हर एक बार को हमारी सरकार नहीं है, फिर ये किसकी सरकार? दो हम बोलते हैं, दो शब्द बोलते हैं भैया, ये सरकार उद्योगपतियों की है। और ये उद्योगपति क्या हैं हमने पहले ही बता दिया, हमारी सूरत ही अब इनकी हवा निकाल देगी, हमारी सूरत ही अब तुम्हारी हवा निकाल देगी, और जिन्हें तुम सबनम समझते हो उन्हें हम फौलाद कर देंगे, और जिन्हें तुम राखी समझते हो उन्हें हम आग कर देंगे। आसियाने तुम्हारे आसियाने को ही फुकवा देंगे, तुम्हारे आसियाने को ही फुकवा देंगे, और तुम्हारे घर में ही आग लगवा देंगे। माँ गंगे के हम बेटे हैं, हमें आज़ाद कहते हैं। 14 साल का हमारा इतिहास देख लेना, तुम्हारी तरानों का, तरंगों का अवमानत करेंगे और अपना 14वां बसंत करेंगे। योगी इनको मोदी जी को भी माँ गंगा ने बुलाया था। अरे माँ गंगा ने बुलाया है और हमें भी बुलाया है। तभी तो हम बता रहे हैं कोरोना फिल्म के हम हीरो हैं। तो 20 लाख तो नौजवानों को हम भर्ती करेंगे, हमारा 5,25,000 करोड़ रुपया बनता है। तो भैया मोदी और योगी वो पैसा पहुंचाओ, और हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा करते हैं कि इन्हें सबक सिखाएगा और पट्टा पहना